एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल रीगल। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ कंपटीशन लॉ सब्जेक्ट सीरीज के पहले वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे द हिस्ट्री ऑफ कंपटीशन लॉ। जो टॉपिक्स हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे वो हम देख लेते हैं बाई शॉर्ट में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कॉम्पिटिशन लॉ का इंट्रोडक्शन क्या है इंडिया के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या ऐसी कौन सी कमिटीज या फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिन वजह से MRTP एक्ट लाया गया था। फिर हम देखेंगे कि MRTP एक्ट में बेसिकली क्या लाया गया था, 1969 का जो एक्ट है ये। उसके बाद हम देखेंगे कि MRTP एक्ट से कंपटीशन लॉ क्यों लाया गया था और उसके बाद कंपटीशन एक्ट के अंदर क्या क्या था। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज कंपटीशन। वेल, अगर हम जनरल सेंस में देखें तो जनरल सेंस में कंपटीशन बेसिकली दो लोगों के बीच में किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए हो सकता है, जैसे कि एक क्लास के अंदर स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन हो सकता है। पर जब भी हम कंपटीशन लॉ का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो कंपटीशन है वो इकोनॉमिक लॉ का एक ब्रांच है, मतलब मनी मैटर है, पैसे से रिलेटेड है। टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ एंटरप्राइज एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स, कि जो एंटरप्राइजेज है या फिर जो मार्केट के मेंबर्स हैं उन लोगों के कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए कॉम्पिटिशन जो है वो देखा जाता है। And ensure that producer of goods and services compete fairly with each other. ताकि और competition law का और क्या perspective है कि वो goods and services के जो producers हैं वो लोग fairly compete करें एक दूसरे से। Competition की जो definition है वो Competition Act 2002 के अंदर कहीं भी defined नहीं है, पर लेकिन मोटा मोटी जो इसकी definition रहती है वो यही रहती है। एक मैंने और लिखा हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं कि competition law is structured to promote and provide a fair chance for healthy competition between contending competitors in the market and to protect the consumer's interest. इसके अंदर एक और element आया है, वैसे तो ऊपर वाली definition से similar है, बस एक और element आया है ताकि कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम भी होता है कंपटीशन लॉ का। बाकी वही है कि सारे मेंबर्स का जो कंडक्ट है वो हेल्दी रहे और हेल्दी कंपटीशन एक मार्केट के अंदर क्रिएटेड रहे। अब हम एक बार इस शॉर्ट में देखते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं कि कंपटीशन लॉ बेसिकली इंडिया में कैसे आई और उसका क्या बेसिस था। तो सबसे पहले इंडिया में इंडिपेंडेंस हुआ। जब इंडिपेंडेंस हुआ तो हमारे कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन काफी ज्यादा बुरा था। जब हमारी कंट्री से ब्रिटिशर्स गए थे, वर्ल्ड वॉर भी उस टाइम पे खत्म हुआ था, तो काफी ज्यादा जो कंडीशन था वो खराब था। पर लेकिन वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडिया के अंदर क्या हुआ था, बहुत ज्यादा बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस थे वो खड़े हो गए थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमारे इंडिया से जो सारे हथियार जाते थे वो बनाने वाली कंपनीज थी वो बहुत बड़े बड़े तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट खड़े हो गए थे। तो उन सबको रेगुलेट करने के लिए इंडिपेंडेंस के बाद एक नेहरूवियन सोशलिज्म मॉडल को फॉलो किया गया, मतलब कि इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो नेहरूवियन सोशलिज्म मॉडल के बेसिस पे थी। यहाँ इस पॉलिसी के बेसिस पे, सॉरी, इस मॉडल के अंदर बेसिकली ये चीज थी कि सारे, अगर कोई रिसोर्स है तो वो सब लोगों में इक्वली डिवाइड होना चाहिए और वो सब लोग मतलब इक्वली रेगुलेट करेंगे एक पर्टिकुलर चीज को। कम्युनिटी की चीज कम्युनिटी रेगुलेट करेगी, बेसिक जो चार वर्ड में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो वो ये था। तो इन्हीं बेसिस पे ये दो चीजें इंट्रोड्यूस की गई। पहली थी द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 एंड 1956 और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। इन तीन चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया, 1948 की पॉलिसी, 1951 का एक्ट, 1956 की पॉलिसी। इन दो तीन चीजों को बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया ताकि हम नेहरूवियन सोशलिज्म मॉडल को और ज्यादा अप्लाई कर सकें। पर लेकिन हुआ क्या कि सारी की सारी जो पावर थी वो स्टेट को दे दी गई इन दोनों तीनों चीजों के अंदर। सारी की सारी जो पावर थी टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ आवर मार्केट, सारा का सारा पावर दे दिया गया स्टेट को। तो क्या हुआ कि एक मोनोपोली क्रिएट हो गई, जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज थी उन लोगों की एक मोनोपोली क्रिएट हो गई। जो मेजर मेजर सारे ट्रेड्स थे वो सब के सब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के पास आ गए। तो इस चीज को खत्म करने के लिए MRTP एक्ट 1969 लाया गया था। इसके बीच में कुछ कमिटीज भी बिठाई गई थी जिस वजह से, ताकि वो इन सब प्रॉब्लम्स को डील कर सके, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। और इसके बाद क्या हुआ, MRTP के बाद इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स भी आए, कुछ केस लॉज भी हुए, पर जो मेजर इवेंट था वो था LPG 1991 का। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जब इंडिया के अंदर आया तो एक न्यू इकोनॉमिक
पॉलिसी इंडिया में आई, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो सारा मार्केट था, एक तो वो ग्लोबलाइज हो गया और दूसरी चीज उसको प्राइवेटाइज करने की रिक्वायरमेंट आ गई कि हमें प्राइवेट एंटिटीज को पब्लिक सेक्टर एंटिटीज से इक्वल देना है पावर। और इसी दौरान ट्रिप्स और ट्रिम्स वगैरह भी साइन हो गए थे, गैट साइन हो गया था 1994 में, तो इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, टू उनको करना ही पड़ा कि उनका एक लॉ चेंज होना चाहिए। इसी बेसिस पे ये कमेटी बिठाई गई थी, SVS राघवन कमेटी 1991, जिन्होंने कॉम्पिटिशन एक्ट फाइनली ड्राफ्ट किया और फाइनली कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंदर आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे जिस वजह से MRDP एक्ट बनाया गया था। DPSP के अंदर आर्टिकल 38 एंड 39 जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर एक मैंडेट डालते हैं कि एक सिक्योर एंड प्रोटेक्ट दिस सोसाइटी, कि उनको क्या करना है, द गवर्नमेंट शैल सिक्योर एंड प्रोटेक्ट दिस सोसाइटी वेयर पीपल विल गेट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो फिलहाल हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट थी वो थी इकोनॉमिक, कि इकोनॉमिक जस्टिस होनी चाहिए सब लोगों के पास। एंड इट शैल एड्रेस ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द नेशन एंड द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी एज द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू असिस्ट द कॉमन गुड, कि कॉमन गुड को असिस्ट करे ऐसा उनका पॉलिसी होना चाहिए, ताकि सारे के सारे मटीरियल रिसोर्सेज जो है वो इक्वली डिवाइडेड हो सके, ताकि सब लोगों का भला हो। और दूसरी चीज, द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट ऑपरेट एज इट क्रिएट्स अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ कॉमन डेट्रीमेंट, कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इस तरीके से नहीं चलाया जाना चाहिए जिससे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ बन जाए, क्योंकि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होती है तो उसका मतलब है कि एक सेक्टर बहुत अमीर हो जाएगा और उसी पोजिशन में दूसरा सेक्टर बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, तो जब ऐसा होता है तो ये चीज इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा गलत होती है। तो ये चीज बेसिकली आर्टिकल 38 एंड 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोली गई। उसके बाद फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि MRTP एक्ट के लिए बहुत ज्यादा वो चीज हुए कि उनको मतलब इन फैक्टर्स की वजह से MRTP एक्ट बनाया गया। अदर देन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, सबसे पहला तो नेहरूवियन सोशलिज्म मॉडल जो कि मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में समझाया था, उसके बाद जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आए जिनकी वजह से बहुत ज्यादा मोनोपलाइजेशन हो गया प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज का और सॉरी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज का, और वो प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज के लिए बहुत ज्यादा लाइसेंसिंग रिजीम्स और सब चीजों के अंदर गवर्नमेंट से परमिशन ये सब बोल दिया गया, और इस वजह से क्या हुआ, फ्री मार्केट जो था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। अब क्या हुआ, कुछ ऐसी कमिटीज बिठाई गई जिससे ये जो फ्री मार्केट खत्म हुआ था उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो सबसे पहली जो हमारी कमेटी थी वो थी हजारी कमेटी। इस कमेटी को बिठाया गया था मिस्टर हजारी के अंडर। इन्होंने बेसिकली जो लाइसेंसिंग प्रोसीजर था जो कि ये 1951 एक्ट के अंदर डाला गया था, उसको एक रिव्यू देने के लिए ये कमेटी बिठाई गई थी। और इस कमेटी ने क्या ढूंढा, इस कमेटी ने ये पाया कि जो लाइसेंसिंग सिस्टम है वो डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ को सपोर्ट करता है, कि बड़े बड़े लोग तो ग्रो करे जा रहे हैं और जो छोटा छोटा लोग रह गए वो लोग ग्रो कर ही नहीं पा रहे हैं। अगली जो हमारी कमेटी थी वो थी प्रोफेसर महला नोबिस के अंडर। ये कमेटी 1960 के अंदर बिठाई गई। इसके अंदर बेसिकली ये बोला गया, ये इस कमेटी को वर्क दिया गया कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेवल्स ऑफ इनकम है, मतलब कि जो भी इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या लेवल है उस चीज को स्टडी करें। और उन्होंने ये देखा कि जो टॉप 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है वो 40% ऑफ द इनकम को अपने कोने में कर लेती है, और इस वजह से ही जो इकोनॉमी है इंडिया की वो खराब हो रही थी। तीसरी जो कमेटी बिठाई गई ये सबसे इंपॉर्टेंट थी, द मोनोपोलीज इंक्वायरी कमीशन। ये बेसिकली डायरेक्टली इसकी वजह से MRTP एक्ट आया था। इस कमेटी को चेयर किया था मिस्टर दास गुप्ता ने। इस कमेटी में क्या रिसर्च किया कि जो मोनोपोली प्रैक्टिसेस हो रही है इंडस्ट्री के अंदर उनका क्या इम्पैक्ट है इंडियन इकोनॉमी में। द कमीशन रिपोर्टेड इन अक्टूबर 1965 दैट प्रोडक्ट वाइज एंड इंडस्ट्री वाइज द कंसेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एग्जिस्टेड इन द सिस्टम ड्यू टू लार्ज स्केल रेस्ट्रिक्टिव एंड मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस एज अ फ्यू बिजनेस हाउसेज वर ऑपरेटिंग
अ लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज। जैसे कि मैंने बताया कि वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बड़े बड़े कुछ ऐसे बिजनेस हाउसेस क्रिएट हो गए थे जो कि मोस्ट ऑफ द ट्रेड को हैंडल करते थे। तो इस जो ये कमीशन था, इन्होंने इसी चीज को स्टडी किया और इसी कमीशन ने बिल ड्राफ्ट किया और वो पार्लियामेंट्री कमेटी को दिखाया गया और फाइनली ये जो एक्ट था मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का, ये फाइनली 1 जून एंड 1970 से इनएक्ट कर दिया गया। अब एमआरटीपी एक्ट पढ़ते हैं, मैं ये बहुत शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ। एमआरटीपी एक्ट का जो डिटेल होगा वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, पर ये बहुत शॉर्ट वीडियो है, सॉरी ये बहुत शॉर्ट में एमआरटीपी का एक वो देती हूँ थोड़ा ओवरव्यू। कि इसके अंदर जो बेसिक एरियाज जो कवर किए गए थे वो ये था कि मोनोपोलीज के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करना है, इकोनॉमिक पावर टू गेट कंसंट्रेशन फॉर द कॉमन डेट्रीमेंट, ऐसी चीज को प्रिवेंट करना है जिससे इकोनॉमिक पावर कहीं भी कंसंट्रेट हो रही हो उसे प्रिवेंट करना है, पुटिंग अ हॉल्ट ऑन मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के बीच में डिफरेंस मैं बाद में समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियोज में, पर लेकिन फिलहाल बस समझने के लिए ये समझ लेते हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो कि एकदम ही गलत हैं और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं जो कि होती हैं मार्केट्स में पर हम मना कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके अंदर बेसिक डिफरेंस ये है। और फिफ्थ, द फोकस ऑफ द एमआरटीपी एक्ट इज टू प्रोहिबिट ऑल द अनफेयर एंड रिस्ट्रिक्टिव एंड मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो तीन पॉइंट मैंने ऊपर बोले, मोनोपोलीज, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, यही एमआरटीपी का फोकस था। और एमआरटीपी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी इसका फोकस ही बनी कि ये बहुत ज्यादा नैरो माना गया और आगे बहुत ज्यादा इसमें दिक्कतें भी आई, इस वजह से बहुत सारे केस लॉज भी आए। अब एमआरटीपी एक्ट कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर क्यों बनाया गया, मतलब क्यों कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 लाया गया जबकि हमारे पे एमआरटीपी एक्ट था। तो इसके अंदर बेसिकली ये पढ़ते हैं कि एज नोटेड अर्लियर, अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ एमआरटीपी एक्ट वाज फोकस्ड अराउंड मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर एंड इकोनॉमिक कंसंट्रेशन। मैंने बताया आपको कि इसका जो मेन फोकस था वो मोनोपोलिस के ऊपर था या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के ऊपर था। तो इन द लाइट ऑफ द चेंजिंग इकोनॉमिक सिचुएशन, जब इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हुई 1991 के बाद, एलपीजी रिफॉर्म्स आए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तो एक नई कॉम्पिटिशन लॉ की जरूरत महसूस हुई। तो इस चीज के लिए राघवन कमेटी बिठाई गई थी जिन्होंने इस कॉम्पिटिशन लॉ को ड्राफ्ट किया, सजेस्ट किया। एज अ रिजल्ट ऑफ अडॉप्टिंग लिबरलाइजेशन, इंडिया एक्सेप्टेड एंड अग्रीड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स ऑफ द डब्ल्यूटीओ, जो मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था कि गैट, ट्रिप्स, ट्रिम्स, ये सब जब इंडिया ने एक्सेप्ट किए तो क्या हुआ कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा एफडीआई हो गया। तो इस वजह से जो फॉरेन फर्म्स आकर हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मांगेंगे कि कोई अच्छा लॉज आपके पास होने चाहिए, पर जब हमारे पास लॉज ही नहीं थे, मतलब एमआरटीपी एक्ट वॉज नॉट गुड, वो क्यों गुड नहीं था वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पर लेकिन इट वॉज नॉट इनफ एटलीस्ट, तो हमें एक नया लॉ चाहिए था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि हमने गैट और ट्रिप्स साइन किया था। उसके बाद इट लेड टू कैपेबिलिटी ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज टू एंटर द इंडियन मार्केट, जो मैं अभी आपको बता रही थी वही चीज मैंने इस पैराग्राफ में लिखी है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी वो इंडिया के अंदर आ रही हैं और एमआरटीपी एक्ट जो था वो इतना कैपेबल नहीं था कि वो सब लोगों को हैंडल कर सके। तो इसी वजह से राघवन कमेटी ने एमआरटीपी एक्ट को हटाते हुए कॉम्पिटिशन लॉ लाया। अब कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को बहुत शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। ये एक्ट 2000 में पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया। ये जो बिल था ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को जब रेफर किया गया उन्होंने इसे कॉम्पिटिशन दिसंबर 2002 के अंदर पास किया और फाइनली कॉम्पिटिशन एक्ट को जब असेंट मिला प्रेसिडेंट का तो फाइनली 13 जनवरी 2003 के अंदर फोर्स में आया। तो थैंक यू एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। ऑल्सो अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे हैंडल इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हो जो कि है लीगल रीगल 101। और अगर आप और ज़्यादा नोट्स चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो थैंक यू, ओके, बाय बाय।